बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आलियाज किचन एंड ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी व्यूवर्स, आज आपके साथ जो मैं अपनी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्रेंच ब्रेड, फ्रेंच टोस्ट, जो सब बहुत पसंद करते हैं और बच्चे बड़े सब इसको बहुत लाइक करते हैं। आज मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने ब्रेड ली हैं, दो अंडे लिए हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फैट वाला क्रीम, जो क्रीमी मिल्क होता है वो मैंने लिया है, चीनी अपने हिसाब से मैं डालूंगी। तो बनाना शुरू करते हैं। दो अंडे मैंने ले लिए, आप यकीन करें ये बहुत मज़े का बनता है और हर घर में इसको बहुत पसंद किया जाता है। अब आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर आपने 4 टीस्पून जो है वो शुगर मिक्स कर लेनी है। शुगर अगर आप जो है ग्रेट की डालें तो वो बेहतर है। ये 4 टीस्पून जो है वो मैंने चीनी ऐड कर दी है। चीनी को थोड़ा सा मैं मेल्ट कर लूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का आता है। चीनी तकरीबन जो है वो मेरी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर दूध शामिल करूंगी। दूध मैंने थोड़ा सा फैट वाला लिया है। तकरीबन 1/2 कप मैंने दूध का लिया है। ये जो बैटर है मेरा रेडी हो गया है। अब मैं पैन के अंदर जो है ऑयल शामिल करती हूँ। जी, पैन के अंदर अब मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर बटर भी ले सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, हमारे घर में वीकेंड पे तो ये मस्ट है, बनता है, वीक डेज में भी बन जाता है। इस तरह आपने इसके अंदर डिप करनी है। आपने हाथ से ही करना है क्योंकि ये चम्मच या कांटे से इसको थोड़ा सा मसला हो जाता है, ये टूट जाते हैं। एक एक जो अगर आपके पास पैन छोटा है तो आप एक एक करें, अगर पैन बड़ा है तो फिर आप दो भी कर सकते हैं। इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया है, लाइट गोल्ड। आंच आपने हल्की रखनी है, आंच आपने तेज नहीं करनी। ऑयल भी बहुत कम इस्तेमाल करना है। हल्का सा इसको प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहें इसके अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, वनीला एसेंस डाल सकते हैं, इससे ये जो है इसका टेस्ट और भी मज़े का हो जाता है। देखिए कलर इसका बहुत अच्छा हो गया। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप जो सारे हैं ब्रेड वो इसके अंदर शामिल कर लें। जी, ये वाला टोस्ट जो है वो आपका रेडी हो गया है। इसको अब मैं अब आपने जो दूसरा है उसको भी इस तरह कर लेना है। अच्छी तरह डिप करना है। एक कतरा जो है वो ऑयल का शामिल कर लें। ऑयल बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। और जी व्यूवर्स, अभी तक जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और प्लीज़ अपना फीडबैक दिया करें। आप लोगों के फीडबैक की बहुत ज़रूरत होती है।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जी वीवर्स, यहाँ पे मेरे शाही टुकड़े और चाय जो है रेडी है। आज आलिया आपका मेरा अपना ब्रेकफास्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीवर्स, आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे ये शाही टुकड़े कैसे लगे हैं। बहुत मज़े के, बहुत अच्छी रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।